बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है, दो वोल्टमीटर मेरे पास सेम वैल्यू के सेम मॉडल नंबर है, UT33C। अगर किसी वोल्टमीटर के क्रॉस बैटरी का सिंबल आ जाए ऊपर, तो ये इसकी बैटरी के वीक होने की का जो है ना सिंबल होता है। तो आपको चाहिए कि उसी वक्त आप इसकी बैटरी चेंज कर लें, अदरवाइज़ आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। इसको परफॉर्म करने के लिए मैंने आपके सामने ये दोनों मीटर जो हैं सामने रखे हैं। तो जैसे मेरे पास सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, मैंने दोनों को डीसी वोल्ट मीटर पर सेट किया हुआ है 500, और ये भी 500 पे है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और इसके क्रॉस आ रहे हैं अभी हमारे पास 283 वोल्ट पर आ रही है। और ये जो ख़राब मीटर है, इसके ऊपर जो बैटरी का सिंबल आ रहा है आपके पास, अब मैं इसी सप्लाई को जो जिसके ऊपर बैटरी का सिंबल नहीं है उसके क्रॉस लगाऊँगा। तो ये इसके साथ मैं लगाता हूँ, और ये वायर इसके साथ, ये बता रहे 225 वोल्ट डीसी। तो इसका बताने का मकसद ये है, जब भी आपके पास कोई वोल्ट मीटर है तो उसके ऊपर बैटरी का सेम इसी मॉडल का है या किसी और का है, तो आपने उसकी बैटरी की चेंज कर लेनी है, अदरवाइज़ आपकी जो कैलकुलेशन है, जो रीडिंग्स हैं आ रही होती हैं उसके ऊपर, वो एक्यूरेट नहीं होंगी।